अब जब मैं इसे ऑन करूंगा, अच्छा एक बार और, ये देखिए, ओह हो, मैं, और ये क्या, ये एक बटन मिल रहा है जिससे कि आप इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, क्या कहते हैं इसे, शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिलता है, मच्छी वाला। क्या बात है भाई, कहीं ना कहीं होंडा के इस प्रोडक्ट ने मार्केट में अपनी एक पहचान तो बना ही ली है। रीजन क्या है भाई, इसके जो बोल्डर लुक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो रोड प्रेजेंस यहाँ पे आपको गाड़ी की देखने के लिए मिलती है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी मिलती है। मार्केट में जो गाड़ियां हैं उनसे कहीं बेटर आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ चीजें सेगमेंट में बहुत अच्छी मिल जाती है, कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिसिंग भी मिलती है। लेकिन अगर बात करें जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है भाई, ये होंडा एलिवेट का टॉप मॉडल खड़ा है, यानी टॉप एंड मॉडल खड़ा है भाई, इसके बाद कुछ आता नहीं है। एक डुअल टोन आएगा, डुअल टोन में खाली छत खाली आपकी हो जानी है, बाकी गाड़ी ऐसी एजडी सेम रहनी है। तो हमारे सामने जो मॉडल खड़ा है भाई, ये ZX CVT वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। अगर एक शोरूम वैल्यू की बात करेंगे इस गाड़ी की, तो ये आपको भाई 16 लाख रुपए का एक शोरूम देखने के लिए मिलती है, और ऑन रोड आता है ये गाड़ी आपको 18,62,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल डी कार्स इन्फो पे, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डीएस बिस। तो भाई हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, होंडा एलिवेट का टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, ZX CVT में हमारे सामने खड़ा है ये गाड़ी। अगर बात करें फ्रंट से, तो सबसे पहले भाई बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, कि भाई कितनी चौड़ी है। फ्रंट से देखने में तो काफी मस्कुलर लग रही है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 1790 mm की आपको यहाँ पे विड्थ देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी की। जो इस गाड़ी को काफी एग्रेसिव बनाता है वो है यहाँ पे इसका फ्रंट का ग्रिल पोर्शन, जो काफी ब्रॉड में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सेंटर में आपको होंडा का लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को इंक्रीज करते हैं। और नीचे ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको स्किड प्लेट का ऑप्शन भी मिल जाता है सिल्वर कलर में गाड़ी का। और हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एलईडी में हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, और इसी में आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एलईडी में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एयर कटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है टायरों को ठंडा करने में भी जब आप हाईवेज में चलते हैं। दूसरी चीज, गाड़ी के लुक्स को एरोडायनामिक बनाने के लिए, क्योंकि एयर कटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। इस गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, वो काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, मस्कुलर देखने के लिए मिलता है, रोड प्रेजेंस निखार के लेके आता है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको गाड़ी की जो लंबाई देखने के लिए मिलती है वो आपको 4312 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। भाई सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है इसमें गाड़ी में, वो मिलता है भाई आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस, भाई 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई। इसके बाद आपको फॉर्च्यूनर और थार में ही देखने के लिए मिलता है 225 mm का। यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो सेगमेंट में सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करेंगे ओवरऑल हाइट की तो भाई वो भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है 1650 mm की। और अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो वो भी भाई सेगमेंट में अच्छा ही मिलता है 2650 mm का, जिससे कि आपको अंदर कैबिन स्पेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है। वैसे तो खैर कैबिन स्पेस में तो होंडा की गाड़ियों में कभी आपको शिकायत नहीं रही होगी, क्योंकि होंडा की गाड़ियों में शुरू से ही आपको कैबिन स्पेस अच्छा मिलता है। चाहे आप अमेज ले लीजिए, चाहे ब्रियो में देख लीजिए जो सबसे छोटी गाड़ी आती थी इनकी, या चाहे जेएस देख लीजिए, भाई जेएस के अंदर तो इतना स्पेस मिलता था ना कि आप पूछिए ही मत। अब भाई साइड से खड़े हैं और टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, भाई टायर भी इस गाड़ी में चार चांद लगा रहे हैं, वो है इसके डायमंड कट अलॉयज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको ब्रिजस्टोन का टायर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर टायर प्रोफाइल की यहाँ पे बात करेंगे तो 215/55R17 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। फेंडर में बात करेंगे तो भाई वही क्लैडिंग वाला पार्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो अक्सर एसयूवी गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओआरवीएम में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको डुअल टोन में मिलता है, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स आपको ओआरवीएम में ही देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक कैमरे का पॉपअप भी देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पे आपको गाड़ी में एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर डोर में बात करेंगे भाई, डोर हैंडल्स में यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क देखने के लिए मिल जाता है, और स्मार्ट की एंट्री का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपको बोथ साइड मिलता है, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों जगह देखने के लिए मिलता है। बी प्लस की अगर बात करेंगे तो भाई ये आपको मैट ब्लैक में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। विंडोज में आपको क्रोम गार्निश का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। रूफ रेल की बात करेंगे तो भाई ये भी आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलती है। रियर टायर्स में अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं। और डोर्स में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड बीडिंग्स जो हैं ये बॉडी कलर देखने के लिए मिलती है। देखिए नॉर्मल जो इससे नीचे वाला वर्जन है ना, उसमें आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। फिर को ड्राइवर साइड इसके फ्यूल टैंक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये जरूर सेगमेंट में आपको यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगी, इसके सेगमेंट में जो गाड़ियां आती है वहां पर आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। रियर से चलते तो भाई लुक आपको कुछ गाड़ी का इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। भाई एकदम
एकदम फ्रेश लुक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और न्यू लुक देखने के लिए मिलता है। पीछे से भी वैसी क्लासी लगती है जैसे आपको आगे से क्लासी देखने के लिए मिलती है। सेंटर में आपको भाई होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। ये रिफ्लेक्टर का वर्क करते हैं यहाँ पे। अगर टेल लैंप्स की बात करेंगे तो भाई ये भी आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है, पाइपिंग में देखने को मिलते हैं, जो कहीं कहीं गाड़ी के लुक्स को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाएंगे, रिवर्स लैंप आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का वर्क भी देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। अगर बात करेंगे तो चार पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको डिफ्यूजर भी यहाँ पे सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। यहाँ पे आपको आईवी टेक की बैजिंग मिल जाएगी जो इसके इंजन को दिखाती है, और यहाँ पे आपको एलिवेट की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। कैमरे की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है विद गाइडिंग लाइंस के साथ। यहाँ पे बात करेंगे तो वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, हैमोंड स्टॉप लाइट है, और यहाँ पे आपको भाई क्या कहते हैं शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिलता है मच्छी वाला। बात करते हैं इसके बूट की। बूट तो भाई काफी बड़ा बड़ा जैसा दिख रहा है इसका। भाई बूट की बात करेंगे तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है 458 लीटर का। भाई बहुत सारी चीजें भर सकते हो, बोरी और एक दो आदमी भी फिट कर सकते हो आराम से। यहाँ पे आपको बूट लैंप का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा जो उजाला कम कम ही करता है। यहाँ पे आपको हैंगिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। रियर की जो सीट्स आती है 60-40 रेशियो में फोल्डेबल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेपनी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे स्टेपनी कुछ इस तरीके से मिलती है भाई, और टूल्स बड़ी अच्छे तरीके से रखे गए भाई यहाँ पे। घर लेके जाऊँ क्या समय, मेरी गाड़ी में नहीं है। चलिए बूट में इतना ही, बूट को करते हैं बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर दरवाजा खोलते हैं तो भाई जब दरवाजा खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से लुक मिलता है भाई। डुअल टोन में टैन ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है आपको। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आपको देखिए ग्रेज कलर में पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डोर हैंडल भी ग्रेज कलर में देखने के लिए मिलते हैं। चार के चार पावर विंडो आ जाते हैं। ड्राइवर साइड वाला आपको वन टच अप वन टच डाउन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग के बटन और यहाँ पे आपको ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको मैप पॉकेट, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ट्विटर की। भाई टोटल गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें से 4 ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाई ये आपको पूरा लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। मिसिंग एक चीज रहती है कि भाई यहाँ पे आपको गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक में सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्यूल टैंक का लीड ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ से मिलता है। हुड ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है भाई। यहाँ पे आपको एसी वेंट जिसके आउटर में आपको वही ग्रेइश पैटर्न का फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। और ये क्या, ये एक बटन मिल रहा है जिससे कि आप इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये मेरा म्यूजिक सिस्टम है और अगर मैं इसे यहाँ पे दबाता हूँ तो इस तरीके से आपका ये कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जब आप गाड़ी टर्न्स करते हैं तो आपकी जो साइड पोजीशन है उसको और अच्छे से दिखा देता है। ये देखिए, चलिए दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई अब गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। एक बार ये देख लीजिए इंटीरियर। भाई मजा तो इसके इंटीरियर में भी बहुत अच्छा आता है भाई। जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, यानी टैन ब्राउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग दे रखी है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड, तो खैर ब्लैक की आता है। फिर यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे ना भाई, ओहो भाई 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेसली कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट है, ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको गाड़ी में, मैक्स कूल फंक्शन के साथ। फिर यहाँ नीचे उट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। 2 टाइप ए के पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे एक और बटन मिल जाता है भाई, आप वायरलेस चार्जिंग को बंद और ऑन दोनों कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा भाई। अब मेन खास बात इसी ट्रांसमिशन की, क्योंकि ये आपको सीवीटी ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलता है भाई। सीवीटी ट्रांसमिशन यानी कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका गियर चेंज हो रहा है क्या हो रहा है करके। और अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो 7 नंबर तक का आपको गियर शिफ्टिंग दिखाएगा, और अगर आप नॉर्मल ड्राइव मोड में चलाते हैं तो ये आपको कोई भी गियर नंबर्स नहीं दिखाता, क्योंकि इनफिनिट गियर इसमें कहा जाता है। फिर उससे यहाँ पे बात करेंगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस मिल जाता है कॉइन वगैरह की वगैरह कैरी करने के लिए। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक की प्लेसिंग, यहाँ पे आपको फोन वगैरह रखने के लिए प्लेसिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भाई आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो खिसकता नहीं है। ओह भाई स्टोरेज भी आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक ठाक स्टोरेज मिल जाती है, अच्छी खासी मिलती है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कूलिंग का फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है आपको। ये थोड़ा सा लगा पर वो फायदा नहीं है उसका भी, डिसेंट से स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे तो भाई आईआरएम, भाई यहाँ फ्रेमलेस आईआरएम देखने के लिए मिल जाता है। रीडिंग लैंप के ऑप्शन आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये भाई सनरूफ भी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। चलिए ऐसे कर देते हैं बंद। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा, और को ड्राइवर साइड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिलता है विद लाइट के साथ। यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिल रही, लेकिन लाइट नहीं मिल रही, टिकट होल्डर यहाँ पे दिया नहीं है भाई, छोड़ दो, टिकट आपको यहीं संभालने पड़ेंगे। बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो भाई स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर राउंड में देखने के लिए मिलता है। अगर आप देखेंगे तो लेदर ऐप में मिलता है, लेकिन आपको लगता ऐसा नहीं है कि ये लेदर ऐप है,
जब आप इसकी स्टिचिंग देखेंगे तो आपको लगेगा भाई हाँ ये लेदर है अपने है, लेकिन जो इसकी ग्रिपिंग मिलती है वो अच्छी खासी मिलती है, स्लिपरी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, नॉर्मली आपके डैशबोर्ड से ही मैच करता है, फील नहीं आएगा कि हाँ लेदर स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर है। सेंटर में होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा, 6 एयरबैग्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, दो फ्रंट के हो गए, दो कर्टेन एयरबैग्स हो गए और दो साइड एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे इसके म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे क्लस्टर के कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, ये स्क्रॉलर भी मिल जा रहा है, ये नेक्स्ट का हो गया, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हो गए, ये वॉइस कमांड वगैरह, ये सारी चीजें हो गई आपकी। फिर यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर देखने के लिए मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको इसके क्रूज कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिल जाएगा और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एडास लेवल 2 देखने के लिए मिलता है। भाई अब यार 16 लाख रुपए में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, भाई कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपको 16 लाख एक शोरूम में एडास लेवल 2 के फीचर्स दे रही है? मार्केट में कोई भी गाड़ी नहीं है जो आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ फीचर्स इसमें आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में वो फीचर्स तो आपको कोई कंपनी नहीं देती। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो ये आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर क्लस्टर की बात करेंगे ना भाई, इसका क्लस्टर ही कमाल लगता है भाई। एक बार मैं आपको दिखाऊं कैसे, ये मैंने बंद करा, अब जब मैं इसे ऑन करूंगा, अच्छा एक बार और ये देखिए, ओहो जो स्पोर्टियर फील कराता है ना भाई, खाली सुई सुई घूम रही है और मीटर कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा दिखता है ना, तो फील एक अच्छा आता है, थोड़ा स्पोर्टियर वाला फील आता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर, सेंटर में आपको छोटी सी एमएमआईडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है, ट्रिप टू एम्प्टी है, डिस्टेंस है, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताता है। लेफ्ट हैंड साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके सीटिंग कंफर्ट की, थाई सपोर्ट की और हेडरूम स्पेस की कितना मिलता है। तो भाई अगर मैं बात करूं हेडरूम स्पेस की तो अच्छा खासा हेडरूम स्पेस मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है। देखो अभी मैं नीचे भी कर सकता हूं भाई, अगर आप ड्राइवर सीट में बैठे हैं तो यहां पे आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है, बट किसी गाड़ी में क्या होता है ना, आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता, मोस्टली बेस मॉडल गाड़ियों में होता है, लेकिन इसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं जिससे जैसे आपको आपकी हाइट चाहिए। और ये मत सोचिए कि अगर आप इसकी सीट नीचे कर देंगे तो आपको हुड नजर नहीं आएगा, हुड की विजिबिलिटी इतनी क्लियर यहां से बनती है ना भाई, आप सीट में बैठे और आपको पूरा हुड साफ नजर आता है, तो जिस वजह से आपकी कॉर्नरिंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है। फिर अगर बात करूं सीटिंग कंफर्ट की, भाई कुशनिंग तो आपको अच्छी खासी मिल जाती है, ग्रिपिंग भी आपको होल्डिंग यानी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, बट एक चीज की कमी लगती है भाई, वो है यहाँ पे थाई सपोर्ट। यार मेरी हाइट 5.7 इंच की है, लेकिन उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि हाँ थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बाकी फिर भाई एक बार आप गाड़ी में बैठ के देखिए आपको कैसा फील होता है, क्या पता आप उसमें एडजस्ट कर लें, आपको हैबिट हो, कई सारी चीजें होती हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, अब बात कर लेते हैं इसके रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए चलते हैं पीछे। तो दोस्तों जैसे ही मैं रियर डोर खोलता हूँ ना, तो ओहो भाई यहाँ पे आप देखिए आपको वही कॉम्बिनेशन मिल जाता है जैसा फ्रंट डोर में आपने देखा था, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो साटन फिनिशिंग का वर्क मिल जा रहा है, यहाँ पे भी डोर हैंडल वही ग्रेश फिनिशिंग में देखने के लिए मिल रहा है, ये भी ग्रेश फिनिशिंग में ही है, साटन फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जा रहा है, ट्विटर की प्लेसिंग आ जा रही है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग आ जा रही है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस दो दो देखने के लिए मिल जाता है, भाई एक बड़ी बॉटल एक छोटी बॉटल यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इंटीरियर देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, चलिए बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर ना रियर सीट्स में, तो अगर पीछे से बात करते हो तो भाई यहाँ पे आपको फ्रंट सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है, दो दो पॉकेट्स मिलती है भाई, यहाँ पे आपको एक फोन पॉकेट भी मिल रही है, एक मैगजीन पॉकेट भी मिल रही है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी सेम एज इट इज वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, टाइप ए के कोई भी पोर्ट्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। रियर हेडरेस्ट में अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, और अब बात करते हैं भाई यहाँ पे ये देखिए आपको मिलता है इसमें आर्मरेस्ट, जिसमें आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर, यानी आगे भी पीछे भी दोनों, मतलब 4 लोग महफिल बना सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको कोट हैंगर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसके हेडरूम स्पेस की, सीटिंग कंफर्ट की, वो कैसा मिलता है। अब भाई अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं ना, तो हेडरूम स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है आपको, कोई कमी नहीं है, अगर मुझसे ज्यादा हाइट का भी बैठेगा तो उसको भी अच्छा खासा हेडरूम स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सीटिंग कंफर्ट की भी बात करूंगा तो कुशनिंग आपको काफी अच्छी खासी मिलती है गाड़ी की, जिस वजह से आपको राइड एक कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्योंकि सीट्स की जो रिक्लाइनिंग पोजीशन है ना वो भी आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो आपको थकावट फील नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज भाई पीछे आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है, ये देखिए मैं बैठा हूँ तो देखिए थाई सपोर्ट आपको मिल जा रहा है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5.7 हाइट है तो मुझे तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। एक बार आप गाड़ी में बैठ के देखिए भाई आपको कैसा हेडरूम स्पेस मिलता है, क्या थाई सपोर्ट मिलता है, मुझे भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो भाई पीछे तो बस कुछ इतना ही, अब बात करते हैं इसके इंजन में की, तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ।
तो दोस्तों अब मैं आज को इसके इंजन सेक्शन में अगर इंजन की बात करें तो भाई इतना बड़ा बड़ा तो इंजन देखने के लिए मिल रहा है भाई। होंडा की बेजिंग भी आपको इंजन में देखने के लिए मिल जा रही है। अगर इस इंजन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर आईवीटेक इंजन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर पावर की बात करेंगे तो भाई अपने सेगमेंट में काफी अच्छी खासी पावर देता है भाई, 119 bhp की पावर देता है। और टॉर्क की बात करेंगे तो भाई वो भी आपको 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क गाड़ी निकाल के देती है। माइलेज यहाँ पे जो कंपनी क्लेम कर रही है भाई वो 17 km का कर रही है, बाकी डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से चलाते हैं उस तरीके से आपको गाड़ी माइलेज निकाल के देगी। ब्रेकिंग्स की अगर बात करेंगे तो ABS, EBD ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड कंट्रोल है, ESP जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर वारंटी की बात करेंगे तो भाई यहाँ आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी कराते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस के हिसाब से। भाई आपको कितना टाइम के लिए गाड़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। बाकी बात करेंगे भाई इंजन के पीछे आपको इंसुलेशन का वर्क मिलता है, हुड में भी आपको इंसुलेशन का वर्क मिलता है, जिस वजह से कि भाई केबिन के अंदर आपको इंजन की नॉइज सुनाई नहीं देती। और नीचे से भी आप चेकआउट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्टर शीट देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी इस गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी भाई होंडा एलिवेट मस्कुलर सा प्रोडक्ट हमारे सामने खड़ा है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि WRV को यहाँ पे प्रोटीन रोटीन अंडे वंडे चिकन विकन सब खिला दिया, जो गाड़ी का लुक एकदम चेंज हो गया, लेकिन जबरदस्त लुक आ रहा है। रोड प्रेजेंस काफी अच्छी खासी बन जाती है गाड़ी की। अपने सेगमेंट में आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज में आपको शायद ही कोई कंपनी आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स प्रोवाइड करे। यहाँ पे आपको कैमरा बेस्ड एडास लेवल 2 देखने के लिए मिल जाता है। ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।